बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली स्पोर्ट मेटिल 2019-2020 क्लास 10th मैथमेटिक्स। और इसमें से कराने का एक ही पर्पज है कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा और काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो बच्चों इसमें से सीख कर दूसरों को जरूर सिखाएं। दूसरों को सिखाने का मतलब आप अपने से रखिए कि आप दूसरों को सिखाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्पोर्ट मटेरियल में से करा रहा हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप बने रहें मेरी वीडियो पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 ये क्या कहता है। ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि एक फास्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन से 3 आवर कम लेती है, लेस लेती है, मीन्स 600 किलोमीटर दूरी तक जाने में। इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। ठीक है, इसमें लिखा है कि यदि स्लो ट्रेन की स्पीड जो है वो फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर की माइलेज से कम है तो फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, तो हमें टू ट्रेन्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर स्लो ट्रेन की स्पीड दी हुई है, फास्ट की नहीं दी हुई है, तो हम लेट कर लेते हैं उसके। आइए करना शुरू करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको नंबर डालेंगे और लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन ठीक है इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ये अपनी स्पीड आ गई बच्चों यहां पर। ठीक है, आइए द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इक्वल टू, अब स्लो ट्रेन की क्या है कि जो फास्ट ट्रेन है उससे 10 किलोमीटर पर आवर कम है तो एक्स माइनस 10 आ जाएगा। यहां पर हम किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है वो भी लिख लेते हैं, डिस्टेंस है अपनी 600 किलोमीटर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना पहले हमें टाइम फाइंड आउट करना पड़ता है। आइए टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम देखिए, टाइम फॉर फास्ट ट्रेन तो क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, और टाइम फॉर स्लो ट्रेन तो क्या होगा इसका भी, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर लेता हूं। देखिए यहां पर ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस, तो फास्ट ट्रेन क्या है 3 आवर कम लेती है, इसका मतलब ज्यादा टाइम कौन लेती है, स्लो ट्रेन। तो यहां मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके कर रहा हूं, अगर स्लो ट्रेन की टाइम में से, ये स्लो ट्रेन का टाइम है जो ज्यादा ले रही है, इसमें से फास्ट ट्रेन का माइनस कर दें, ये फास्ट ट्रेन का टाइम है तो कितना डिफरेंस आना चाहिए, 3। ठीक है बच्चों, आइए यहीं से आपकी इक्वेशन बन गई और इसको कर लेते हैं अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए तो x को 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 600x आ जाएगा माइनस, और ये इधर 600 है तो इसको मैं लिख लेता हूं और इसको फिर हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार लिख लेता हूं, और इक्वल 3, और नीचे भी ये जो डिनोमेटर है इनको भी मल्टीप्लाई करना है तो x को x ही करेंगे x स्क्वायर और x को 10 से करेंगे माइनस 10x। ठीक है बच्चों, आइए तो यहां पर देखिए तो 600x और माइनस 600 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 600x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 600 को 10 से करेंगे तो 6000 बन जाता है यहाँ पर, और x स्क्वायर माइनस 10x और यहाँ पर आ गया 3, इसके नीचे आप 1 भी ले सकते हैं। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गए तो अपना नंबर क्या बचा, देखिए यहाँ पर 6000 और x स्क्वायर माइनस 10x और इक्वल 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना अब इसको ऐसे। ठीक है बच्चों, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करते तो 3x स्क्वायर और 10 से करेंगे तो 3×10=30 और इक्वल 1 से करते हैं तो यूं का यूं ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया, आइए इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं।
तो 3x² - 30x और इधर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, तो -6000 हम लिख लेते हैं इक्वल जीरो। ठीक है बच्चों, अब 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 3 से डिवाइड हो रहे हैं, आइए करके लिख लेते हैं, डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर आएगा, 3 × 1 = 3 होता है और 3 × 10 = 30 होता है, तो -3 × 2 = 6 और 3 × 0 है, तो ये लगा देते हैं हम। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब बच्चों देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करें तो 2000, और जिसको मल्टीप्लाई किया है वो माइनस और प्लस है, तो हमें भी एक संख्या माइनस के लिए नहीं, एक प्लस के लिए नहीं है। मल्टीप्लाई करें तो 2000 और आपस में माइनस करें तो 10 आए, तो आइए कर लेते हैं। ये देखिए 50 और 40 हो गया, ये देखिए, ठीक है 50 और 40 आ जाएगा, और बड़े पे माइनस का रखते हैं, छोटे पे प्लस का रखते हैं। ठीक है, तो x² - 50x + 40x - 200 = 0 पेयर बना के अब इसमें कॉमन नंबर निकाल लेते हैं, तो x और यहां पर x माइनस 50 और प्लस यहां पर 40 आ जाएगा, और ब्रैकेट बनाएंगे x और माइनस प्लस माइनस, और यहां पर आ गया 50। ठीक है, 40 से इसको डिवाइड करते हैं तो 50 आ जाता है। अब देखिए एक तो जो ब्रैकेट से बाहर है उसको ले लेते हैं, और दोनों ब्रैकेट में से एक नंबर को ले लेते हैं, ये आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो देखिए प्लस 40 इधर आकर ये माइनस 40 हो गया, और ये माइनस 50 तो इधर आकर प्लस 50 हो गया। अब ट्रेन की स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए ये तो होगा नहीं आंसर, आंसर आ गया आपका ये x। तो x क्या थी, फास्ट ट्रेन की स्पीड थी, तो वो तो आ गई 50। आइए मैं लिख लेता हूं, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन = 50 km/h। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन तो वो थी अपनी x - 10। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 50 - 10 = 40, तो 40 km/h ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आपके आ गए। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं, मिलते अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।